कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नापैद। किला अब्दुल्ला में रीजनल हेल्थ सेंटर की अद्वियात निजी मेडिकल स्टोर्स पर बिकने लगी। रीजनल हेल्थ सेंटर के दौरान दर्जन से ज़ायद डॉक्टर तिबी अमला गैर हाजिर होने के इंकशाफ। कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नापैद। किला अब्दुल्ला में अद्वियात निजी मेडिकल स्टोर पर बिकने लगी। रीजनल हेल्थ सेंटर किला अब्दुल्ला के दो दर्जन से ज़ायद डॉक्टर तिबी अमला गैर हाजिर होने के इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सरकारी अस्पतालों में अद्वियात नापैद हो गई। सिविल अस्पताल बुलान मेडिकल कम्प्लेक्स और दीगर के लिए अद्वियात की मद में करोड़ों रुपए बजट होने के बावजूद अद्वियात नापैद हो गई। एक मरीज के रिश्तेदार ने बताया कि हमने एक डोज सरकारी जबकि बाकी अपने पैसों से खरीद कर लाए हैं। अगर बर वक्त ना खरीदते तो मरीज की जान को खतरा लाहक हो जाता। मरीजों के रिश्तेदारों को एक सिरिंज के लिए भी निजी मेडिकल स्टोर पर भेजा जाता है। बीएमसी अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 90% इनडोर मरीजों को अद्वियात फराहम कर रहे हैं, अद्वियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। जराये के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला के रीजनल हेल्थ सेंटर को मिलने वाली सरकारी अद्वियात बाजार के निजी मेडिकल स्टोर पर फरोख्त होने लगी, जबकि दो दर्जन से ज्यादा डॉक्टर्स भी ड्यूटी से गैर हाजिर हैं।